हेलो दोस्तों, मैं हूँ हार्दिक और आप देख रहे हैं SHGamer यूट्यूब चैनल। एंड गाइस, मैं आपको बता दूँ कि इतने दिनों से वीडियो नहीं आई थी, इसके लिए सॉरी। एंड गाइस, प्लीज़ मेरे वन के करवा दो फास्ट। गाइस, वन के हो जाएगा तब मज़ा आएगा हमें लाइव स्ट्रीम करने में। एंड गाइस, अभी मैं आपको बता देता हूँ, कितने सारे बंदों को ऐसा होता है कि डेली एक्सपेंशन डाउनलोड करना पड़ता है और वो रात के सुबह वो डाउनलोड कर लेते हैं एक्सपेंशन 212 MB का। एंड रात को फिर से वो एक्सपेंशन दूसरे सुबह देखते हैं तो वो एक्सपेंशन फिर से डाउनलोड करने का आता है और 12 बजे चला फिर से क्लियर हो जाता है। वो कैसे होता है, हो जाता है वो मैं आपको दो डिवाइस से बता दूंगा। तो चलो मैं बता देता हूँ कैसे उसे प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। आपका फोन होगा तो आपको उसमें नहीं मिलेगा चैटिंग में अपनी, वो आपको बाहर ही से आपको वो एप आपको दे दिया जाएगा। तो आपको सिंपल सा वो बाहर से स्मार्ट मैनेजर होगा, उसको आप कर लेना। वो स्मार्ट मैनेजर ओपन करने के बाद आपको स्टोरेज बताएगा। तो आपको स्टोरेज में जाने के बाद सिंपल सा वो कर देने का मैं बताता हूँ। तो स्टोरेज में जाने के बाद आपको नीचे स्लाइड करना पड़ेगा। अभी मेरा सर्चिंग और स्कैनिंग हो रहा है। नीचे जाने के बाद आपको देख सकते हो सेट व्हेन योर डिवाइस विल बी ऑटोमेटिकली क्लियर अप, वो आपको ऑन होगा तो आपको उसको ऑफ कर देना है जिससे आपका वो क्लियर ना हो। तो उसकी कुछ ऐसा है उसमें आपको बता देगा, अंदर जाओगे तो सिंपल सा आपको उसका ऑफ कर देना पड़ेगा और कुछ भी आपको इसमें नहीं करना पड़ेगा। और आपको मैं सैमसंग A7 डिवाइस में भी बता दूंगा, वो सिंपल सा सभी एंड्रॉयड में वो आता होगा। चलो भाई, का तो बता दिया और आपको हम सैमसंग A7 का बता दीजिए और वो सभी में आएगा। सैमसंग A7 होगा वो सभी सभी में आएगा क्योंकि वो एंड्रॉयड में सभी में आता होगा। और ये सैमसंग फोन और जैसे पैसा फोन हो गए तो उसमें नहीं आता होगा। तो चलो हम बता देते हैं आपको। और जो भी हमारी हमारे सैमसंग न्यू है बस सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और शेयर कर देना। चलो आपको हम सैमसंग A7 का बता देते हैं। कैसे मेरे दोस्त का सैमसंग A7 का फ़ोन है उसमें हमको मैं बता देता हूँ। आपको सैमसंग का उसको आप कुछ सेटिंग ओपन करके बाद आपको डिवाइस मैनेजर होगा उसमें डेवलपमेंट मैनेजर होगा। तो डेवलपमेंट मैनेजर होगा उसमें सिंपल से आपको जाना पड़ेगा। डेवलपमेंट मैनेजर में जाने के बाद आपको स्टोरेज को नीचे आएगा तो उसमें जाने का और सिंपल सा आपको भी इसमें एक लेना आएगा तो वो आपको फोन हो तो आप उसे ऑफ कर देना, फोन हो तो ऑफ कर देना ठीक है। सिंपल सा आपका फोन हो तो उसे ऑफ कर देना एक क्लीन और सेम और सभी जगह ऊपर नीचे जाएगा तो आशा करता हूँ ठीक है आप ये कर लोगे। दोस्तों, आपको ये वीडियो दोनों अच्छी लगी हो, दोनों फोन डिवाइस में मैंने आपको बता दिया। तो और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो बस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब एंड पास में बेल आइकन को भी ऑल नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिए। और ऐसे ही आपको वीडियो देखनी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।